थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है सुपरपोजिशन ऑफ साउंड वेव्स। तो बेटा सुपरपोजिशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होती है, उसका रूल भी हमने प्रिंसिपल भी पढ़ लिया है, और उसके नतीजे में दो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं, एक स्टेबल इंटरफेरेंस और दूसरा अनस्टेबल इंटरफेरेंस भी हम पढ़ चुके हैं, जो स्टेशनरी वेव्स वगैरह की सूरत में हमने पढ़ लिया है। इसके बाद है बीट्स की फिनामिना। तो बीट्स क्या होती है या बीट्स की फिनामिना क्या होती है, ये थोड़ी बहुत आपके माइंड में रहनी चाहिए कि बीट्स क्या होती है या बीट्स का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। ये टॉपिक डायरेक्ट आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन ये सब चीजें रिलेटेड हैं, तो आप इसको माइंड में रखिएगा। बीट्स देखिए, बीट्स का मकसद क्या होता है। देखिए बेटा, बीट्स का मकसद होता है पीरियाडिक अल्ट्रेशन इन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको आप अपनी लैंग्वेज में इस तरह से कह सकते हैं कि अगर कोई आवाज आप सुन रहे हो और वो आवाज बड़ी हो रही है, कम हो रही है, इस तरह से कि आवाज बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, तो ऐसी फिनामीना जिसमें आपको कोई आवाज इस तरह से सुनाई दे रही हो कि उसके अंदर झटके हो, फॉर एग्जाम्पल सिंधी के अंदर हम कहते हैं कि इसको पीरियाडिक अल्ट्रेशन कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कि अगर ये इस तरह से आवाज आपको बड़ी सुनाई दे, फिर आपको कम सुनाई दे, फिर बड़ी सुनाई दे, फिर कम सुनाई दे, तो इस तरह से आवाज के अंदर, इसकी इंटेंसिटी के अंदर, इसकी लाउडनेस के अंदर जो इस तरह से चेंज आती है, इसको बीट्स कहा जाता है। आप इसको सिंपली कह सकते हैं कि आवाज झटकों के अंदर सुनाई दे रहा है, आपको आवाज सुनाई दिया, फिर नहीं सुनाई दिया, फिर सुनाई दिया, फिर सुनाई नहीं दिया, तो ऐसी जो फिनामिना होती है उसको कहा जाता है बीट्स, ठीक है। तो ये आवाज के अंदर बीट्स बनने का मकसद होता है, कि जैसे आपको पता है कि बीट्स का मकसद क्या होता है, तो इसी तरह से आवाज के अंदर भी बीट्स का प्रोसेस होता है। और बीट्स का मतलब होता है कि जब कोई भी आवाज आपको इस तरह से सुनाई देती है कि वो आवाज आपको सुनाई दे, फिर सुनाई ना दे, फिर सुनाई दे, फिर सुनाई ना दे, इस तरह से झटकों के अंदर अगर आवाज आपको सुनाई दे, तो ऐसी आवाज को, ऐसी फिनामिना को कहा जाता है बीट्स। तो बीट्स को आप इस तरह से डिफाइन करोगे के पीरियाडिक अल्ट्रेशन, ये पीरियाडिक प्रोसेस होता है, पीरियाडिक अल्ट्रेशन इन इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आर कॉल्ड या इज कॉल्ड, सॉरी, इज कॉल्ड फिनामिना ऑफ बीट्स, ठीक है। इस फिनामिना को क्या कहा जाता है, बीट्स की फिनामिना कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर पीरियडिक अल्ट्रेशन होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई आवाज सुन रहा हूं 1 सेकंड के अंदर, अगर एक बार आवाज सुनाई देती है और एक बार आवाज सुनाई नहीं देती, तो ये हर आधे सेकंड के अंदर प्रोसेस होगा। मीन्स आधा सेकंड मुझे आवाज सुनाई देगी, आधा सेकंड मुझे आवाज नहीं सुनाई देगी, तो ये पीरियाडिक प्रोसेस होता है। अगर 1 सेकंड के अंदर एक बार आपको आवाज सुनाई दे रही है, एक बार आवाज सुनाई नहीं दे रही, तो आप कहोगे कि आधे सेकंड के अंदर आवाज है, आधे सेकंड के अंदर आवाज नहीं। दूसरे सेकंड के अंदर भी ऐसे होगा, दूसरे सेकंड के भी आधे सेकंड के अंदर आपको आवाज सुनाई देगी, आधे के अंदर नहीं सुनाई। मीन्स ये जो बड़ी आवाज और कम आवाज आपको सुनाई देगी, इसके दरमियान जो टाइम का इंटरवल होगा वो फिक्स होगा, ठीक है। हर फिक्स टाइम के बाद ये फिनामिना अपने आप को रिपीट करती रहेगी, तो इसलिए हम इसको कहते हैं
कि ये पीरियाडिक अल्टरेशन होती है, ठीक है। अगर 1 सेकंड के अंदर आपको 4 बार ये प्रोसेस सुनाई दे रहा है, 4 बार आपको आवाज सुनाई दे रहा है, 4 बार आपको आवाज सुनाई नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे कि ये हर 1/4 सेकंड के बाद ये प्रोसेस अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेस जो भी होता है, ये एक पीरियाडिक प्रोसेस होता है जिसमें हर फिक्स टाइम के बाद ये फिनामिना अपने आप को रिपीट करती है, बीट्स की फिनामिना, ठीक है। अब ये बीट्स बनती क्यों है बेटा, ये ऐसी फिनामिना होती क्यों है, बीट्स किस वजह से बनती है, कि आवाज जो आपको सुनाई देता है उसके अंदर ये बीट्स क्यों सुनाई देती है, इसका रीजन क्या होता है, क्यों बनती है बीट्स। तो बेटा बीट्स जो है ये तीसरा किस्म है इंटरफेरेंस का, सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन की 2 स्पेशल किस्में हम पहले पढ़ चुके हैं, आप कह सकते हैं कि ये सुपरपोजिशन की तीसरी किस्म है, ठीक है। आप इसके बारे में ये कह सकते हैं कि ये सुपरपोजिशन की तीसरी किस्म है। अब ये सुपरपोजिशन की तीसरी किस्म कैसे बनती है, सुपरपोजिशन की 2 किस्में हम पढ़ चुके हैं बेटा, उसमें हमने ये पढ़ा है कि 2 वेव्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, वेवलेंथ सेम हो, एम्पलीट्यूड सेम हो, कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो, कि अगर 2 ऐसी वेव्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है और वो मोनोक्रोमेटिक भी है और वो कोहेरेंट भी है, तो वो जब एक दूसरे से सुपरपोजिशन करेंगी तो वो स्टेबल इंटरफेरेंस पैदा करेंगी। स्टेबल इंटरफेरेंस के अंदर 2 एक जैसी वेव्स सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए जब एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशन करेंगी, जब एक दूसरे के साथ सुपर पोजिशन करेंगी जो मोनोक्रोमेटिक भी हो जो कोहेरेंट भी हो, तो वो हो जाएगा स्टेबल इंटरफेरेंस। दूसरा होता है अनस्टेबल इंटरफेरेंस, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि 2 वेव्स इस तरह से हो जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम वेवलेंथ हो, सेम एम्पलीट्यूड हो, अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेवल करेंगी, तो ऐसे इंटरफेरेंस को कहा जाएगा इंटरफेरेंस इन टाइम। इंटरफेरेंस इन टाइम के अंदर क्या होता है कि 2 एक जैसी वेव्स जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हुए वो जो स्टेशनरी वेव बनाती है उसको कहा जाता है कि ये इंटरफेरेंस जो है वो अनस्टेबल और स्टेशनरी वेव बनती है। अब ये तीसरी फिनामिना है, ये भी इंटरफेरेंस की वजह से ही बीट्स बनती है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर 2 वेव्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर स्लाइट डिफरेंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल उनकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो 7 हो, तो अगर इस तरह से 2 ऐसी वेव्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसीज के अंदर स्लाइट डिफरेंस हो, तो उनकी वजह से जब वो एक ही डायरेक्शन में जाएं, 2 वेव्स हो जिनकी फ्रीक्वेंसी के अंदर स्लाइट डिफरेंस हो और वो जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगी, तो वो एक दूसरे के साथ इंटरफेरेंस अनस्टेबल करेंगी और इस इंटरफेरेंस अनस्टेबल की वजह से बीट्स बनती है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा कि अनस्टेबल इंटरफेरेंस सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन की वजह से पैदा नहीं होता, अनस्टेबल इंटरफेरेंस तब भी पैदा होता है जब 2 ऐसी वेव्स जिनके दरमियान स्लाइट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, वो जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, तो उनका इंटरफेरेंस भी इंटरफेरेंस इन टाइम होगा और वो जो रिजल्ट देंगी कभी कंस्ट्रक्टिव करेंगी कभी डिस्ट्रक्टिव करेंगी, और नतीजा ये निकलेगा कि हमें जो आवाज सुनाई देगी कभी बड़ी आवाज सुनाई देगी कभी कम आवाज सुनाई देगी, जिस फिनामिना को हम कहते हैं कि ये बीट्स है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये इंटरफेरेंस इन टाइम का ही एक प्रोसेस है। इंटरफेरेंस इन टाइम एक स्टेशनरी वेव्स के अंदर हम देख चुके हैं कि स्टेशनरी वेव्स के अंदर भी कंस्ट्रक्टिव होता है डिस्ट्रक्टिव होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है डिस्ट्रक्टिव होता है, इस तरह से इंटरफेरेंस अपने आप को तब्दील करता रहता है। बिल्कुल इसी तरह से जब 2 ऐसी वेव्स जिनके दरमियान स्लाइट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी हो, वो जब एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगी, तो उनका इंटरफेरेंस भी अनस्टेबल इंटरफेरेंस या इंटरफेरेंस इन टाइम होगा। बीट्स
आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. स्लाइट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, स्लाइट डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज के दरमियान हो तो उसकी वजह से पैदा होती है. बीट्स आर रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस इन टाइम. इंटरफेरेंस इन टाइम जिसको हम कहते हैं अनस्टेबल इंटरफेरेंस, जिसके बारे में हम कहेंगे अनस्टेबल इंटरफेरेंस. ठीक है, अब ये बनती कैसे, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं. सपोज करें हमारे पास एक वेव इस तरह से, ठीक है. अब आप इसकी कह लें कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है, इसकी फ्रीक्वेंसी आप कह लें 32 हर्ट्ज है, ठीक है. और एक और वेव है जिसके बारे में आप कहोगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है इस तरह से, उसकी फ्रीक्वेंसी एफ टू है इज इक्वल टू 30 हर्ट्ज. दो वेव्स हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 32 है और एक की फ्रीक्वेंसी 30 है, ठीक है. हैविंग स्लाइट ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन कर दें बेटा, इसके अंदर थोड़ा जो है वो एडिशन कर दें. ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती है. बीट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है. टू वेव्स हैविंग स्लाइट डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है. दोनों का डायरेक्शन क्या होता है बेटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, ठीक है. ये इंटरफेरेंस का ही जो है वो एक किस्म है. तो इस तरह से इनके दरमियान कितना फर्क है, दो का फर्क है. तो ये जब इंटरफेरेंस करेंगी तो इसकी वजह से जो फिनामिना होगी, ऐसी फिनामिना को क्या कहा जाता है, ऐसी फिनामिना को बीट्स कहा जाता है. अब ये बनती कैसे, मैं एक आपको चार्ट भी बता देता हूं, उस चार्ट से भी आप इसको कर सकते हैं कि ये कैसे बनती है, ठीक है बेटा. देखिए यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल के अंदर ली है वो हमने ली है दो वेव्स. एक हमने ली है बेटा एफ वन वाली वेव, एक हमने ली है एफ टू वाली वेव, ठीक है. एक की फ्रीक्वेंसी आप लिख लें कि एक की फ्रीक्वेंसी है 32 हर्ट्ज और दूसरी की फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज और ये इनकी रिजल्ट होगी, ठीक है, ये इनकी रिजल्ट है. अब अगर फर्क दो का है, इसके दरमियान फर्क दो का है, तो सेकंड के चार हिस्से करोगे. अगर फर्क होता एक का तो सेकंड के दो हिस्से करते, फर्क होता तीन का सेकंड के छह हिस्से करोगे, फर्क होगा अगर चार का तो सेकंड के आठ हिस्से करोगे. जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतने ही आप पार्ट्स बनाओगे, ठीक है. अब देखें ये हो जाएगा 1/4 ऑफ सेकंड, ठीक है. सपोज करें 1/4 ऑफ सेकंड है हमारे पास, 1/4 ऑफ सेकंड, 1/4 ऑफ सेकंड कह ले. हमने सेकंड के चार हिस्से करने, क्योंकि डिफरेंस कितना है दो. अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 32 है तो 1/4 ऑफ सेकंड में कितनी वेव्स पैदा होंगी, आठ वेव्स पैदा होंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर 32 है इसका मतलब है एक सेकंड के अंदर 32 वेव्स बनती है. तो 1/4 ऑफ सेकंड में कितनी बनेगी, आठ बनेगी. इसकी फ्रीक्वेंसी है 30 हर्ट्ज तो इसका मकसद है 1/4 ऑफ सेकंड में कितनी वेव्स बनेगी, 7.5 बनेगी. अब ये इनके दरमियान जो है वो पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा अपॉन टू, और दोनों वेव्स क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिव करेंगी.
तो जब ये वेव्स बनना शुरू करेंगी तो इस सोर्स से 1/4 सेकंड में 8 वेव्स बनेगी, इस सोर्स से 7.5 बनेगी। तो जब ये आपस में यहाँ पे कंबाइन होगी तो दोनों के दरमियान फर्क आधी वेवलेंथ का होगा और दोनों क्या करेंगी, डिस्ट्रक्टिव। आफ्टर हाफ सेकंड, अगर हाफ सेकंड के बाद देखेंगे इसकी 16 बनेगी, इसकी बनेगी 15। फर्क कितना हो जाएगा लेमडा का, और ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव करेंगी। ठीक है, तो देखें ये इसमें से सोर्सेज हैं। यहां पे आप कह लें कि आपके पास सोर्सेज आ वेव है, ठीक है, एक सोर्स और दूसरा सोर्स, ये दोनों सोर्स वेव्स पैदा कर रहे हैं, एक की फ्रीक्वेंसी 32 है और दूसरे की 30 है। ठीक है, अब अगर आप करते हैं इसके अंदर, देखिए आफ्टर 3/4 सेकंड, 3/4 सेकंड करोगे आप, 3/4 सेकंड इसके अंदर 24 बनेंगी और इसके अंदर बनेगी 22.5। फर्क कितना हो जाएगा, 3 लेमडा अपॉन 2, और क्या हो जाएगा, फिर डिस्ट्रक्टिव होगा। उसके बाद आफ्टर 1 सेकंड, 1 सेकंड के बाद इसकी होंगी 32, इसकी बनेगी 30, डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 लेमडा का, और फिर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। तो ये फिनामिना बनती है इसके अंदर कि जब दो वेव्स इस तरह से एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो इस तरह से ये 1 सेकंड के अंदर जब बनना शुरू करेंगी तो 2 बार कंस्ट्रक्टिव करेंगी और 2 बार डिस्ट्रक्टिव करेंगी। इसको कहा जाता है बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी यहां पे होगी 2 हर्ट्ज, मीन्स 2 बार कंस्ट्रक्टिव 2 बार डिस्ट्रक्टिव, इसको हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। 2 बार कंस्ट्रक्टिव 2 बार डिस्ट्रक्टिव मीन्स एक डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव, 1 हर्ट्ज, एक डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव 2 हर्ट्ज, मीन्स बीट फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। और बीट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये हो जाता है बेटा, F1 - F2, जितना डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा उतनी बीट्स बनेगी। इनके दरमियान डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 है तो बीट्स भी कितनी बनी है, 2 है। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 होगा तो बीट्स भी कितनी बनेगी, 3 बनेगी। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 होगा तो बीट्स भी कितनी बनेगी, 4 बनेगी। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 होगा तो बीट्स भी कितनी बनेगी, 5। बीट्स की तादाद हमेशा उतनी होगी जितनी डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं। अब यहाँ पे मसला ये होता है कि ये यहाँ पे 2 साउंड है, एक 32 का है और एक 30 का है। जब ये कंस्ट्रक्टिव करेगा तो हमें जो आवाज सुनाई देगी ना वो 30 की सुनाई देगी और ना ही 32 की सुनाई देगी, हमें 2 बार आवाज सुनाई देगी कंस्ट्रक्टिव के अंदर, वो होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट साउंड। रिजल्टेंट साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको आप कहोगे F1 + F2/2 आपको सुनाई देगी, ना आपको 30 सुनाई देगी ना 32 सुनाई देगी। अपने एग्जाम्पल के अंदर जो आपको रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो सुनाई देगी 31 हर्ट्ज। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी आपको कितनी सुनाई देगी, 31 हर्ट्ज सुनाई देगी, ना 30 सुनाई देगी ना ही 32 सुनाई देगी। आपको दोनों के मिक्सचर से एक नई फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी जिसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 30, और फार्मूला ये, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास बीट्स। मैंने आपको सिंपली बताया बीट्स की फिनामिना जो इंटरफेरेंस के कैटेगरी के अंदर आती है। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि ह्यूमन एयर एयर कैन डिटेक्ट कैन डिटेक्ट 7 बीट्स पर सेकंड, 1 सेकंड के अंदर मैक्सिमम मैक्सिमम 7 बीट्स सुन सकता है, ठीक है। 1 सेकंड के अंदर 7 बीट्स जो है वो सुनाई दे सकती है ह्यूमन एयर को। इंसान जो होता है अगर किसी भी साउंड के अंदर 1 बीट पैदा हो रही है तो भी हम सुन लेंगे, 2 हो रही है हम सुन लेंगे, 3 है हम महसूस कर लेंगे, 4 महसूस करेंगे, 5, 6, 7, 7 बीट्स अगर साउंड में बन रही है
तो हमारा एयर महसूस कर लेगा बीट्स बन रही है। लेकिन अगर 7 बीट्स से ज्यादा बनेगी तो हमारे कान के अंदर ये सलाहियत नहीं है कि बीट्स को डिटेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे हर चीज की एक लिमिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एसी करंट से जो बल्ब चलता है, जो लाइट आपके सामने अभी एसी करंट पे चल रही, वो 1 सेकंड के अंदर 50 to 60 टाइम्स ऑन होती है, ऑफ होती है, जलती है, बुझती है, लेकिन आपको महसूस नहीं होता, आपको लगता है ये कंटिन्यूअसली ऑन है। इसलिए कि आपकी आंख के अंदर इतनी तेजी के साथ जो झटके आ रहे होते हैं उनको डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं है। अगर यही आप लाइट आहिस्ता ऑन ऑफ करोगे तो आप महसूस कर लोगे, लेकिन जब ये इतनी तेजी के साथ हो रही है तो आपकी आंख के अंदर ये सलाहियत नहीं। इसी तरह से जब हमारे कान के ऊपर आवाज पड़ती है तो उस आवाज के अंदर अगर झटके स्लोली स्लोली है तो हमारा कान डिटेक्ट कर लेगा कि भाई आवाज में झटके हैं, लेकिन अगर बहुत तेजी के साथ आ रहे हैं तो हमारा कान महसूस नहीं करेगा, वो समझेगा कि ये आवाज कंटिन्यूअस है। तो बीट्स होते ही आवाज के अंदर झटके हैं, तो अगर 1 सेकंड के अंदर 7 झटके आ रहे हैं या 6 आ रहे हैं या 5 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 3, 2, 1, अब तो 7 अगर आ रहे हैं तो हमारा कान उसको डिटेक्ट कर सकता है, उससे ज्यादा आएंगी तो हमारा कान उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास फिनोमिना बीट्स। अब बीट्स को कहाँ पे यूज किया जाता है, इसके यूजेस लिखे हुए हैं एसटीबी के अंदर। ठीक है, 2-3 यूजेस होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि इसको अननोन फ्रीक्वेंसी को नोन फ्रीक्वेंसी में, फॉर एग्जाम्पल एक अननोन साउंड आ रही है, उसको अगर हमें नोन करना है, हमें ये जांचना है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो बीट्स की फिनोमिना इस्तेमाल की जाती है। एक इंस्ट्रूमेंट बनता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखनी है, तो उसको भी बीट्स की फिनोमिना से रखा जाता है। तो बीट्स को मुख्तलिफ कामों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको माइंड में रखिएगा बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम आगे। आगे अकोजिटिक्स है, लेकिन अकोजिटिक्स का ताल्लुक इन चीजों से नहीं है, ये एक डिफरेंट ब्रांच बन जाती है, इसलिए मैं अकोजिटिक्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। अब हम डिस्कस करते हैं डॉपलर इफेक्ट को। देखिए डॉपलर इफेक्ट होता क्या है, देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या होता है या डॉपलर इफेक्ट किसको कहा जाता है बेटा। देखिए बेटा, कल मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड आपको बताए थे और उसके अंदर हमने एक चीज डिस्कस की थी पिच, और पिच के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि साउंड के अंदर जो साउंड श्रिल होता है या ग्रेव होता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है पिच। पिच का मकसद है साउंड का श्रिल होना या साउंड का ग्रेव होने की जो प्रॉपर्टी होती है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से आवाज श्रिल बनती है या ग्रेव बनती है, तो ऐसी जो आवाज की प्रॉपर्टी होती है उसको पिच कहा जाता है। पिच का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, अगर किसी भी साउंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो उसकी पिच ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो उसकी पिच कम होगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि पिच एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है साउंड के अंदर, जिस प्रॉपर्टी से साउंड जो होता है वो श्रिल या ग्रेव बनता है। अगर पिच ज्यादा है तो साउंड श्रिल है। स्पैरो होती है चिड़िया, इसकी पिच बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका साउंड आप देखें कितना श्रिल होता है। ठीक है, जिस चीज का साउंड श्रिल होगा उसकी पिच और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जिस चीज का साउंड ग्रेव होगा उसकी पिच और फ्रीक्वेंसी कम होगी। और पिच या फ्रीक्वेंसी, पिच का डायरेक्ट ताल्लुक किसके साथ होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ होता है पिच का डायरेक्ट ताल्लुक। अब डॉपलर एक साइंटिस्ट था जिसने एक बात नोट की कि अगर सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर, सोर्स ऑफ साउंड का मकसद होता है वो चीज जो साउंड पैदा करे,
और लिसनर का मकसद होता है वो चीज जो साउंड लिसन करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी बात कर रहा हूं तो मैं सोर्स ऑफ साउंड हूं और आप लोग लिसनर हो। कोई एम्बुलेंस है, कोई मोबाइल वैन है, पुलिस की मुख्तलिफ गाड़ियां हैं, उनके अंदर हॉर्न होते हैं, सायरन होते हैं। जब वो इस तरह से सायरन के साथ या हॉर्न के साथ इस तरह से मूव कर रही होती है तो वो सोर्स ऑफ साउंड होते हैं, या उनसे रेस्ट में भी अगर आवाज आ रही है तो वो सोर्स ऑफ साउंड है, ठीक है। और बाकी जो भी सराउंडिंग में होंगे वो लिसनर होंगे। तो डॉपलर ने एक बात महसूस की कि अगर सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर दोनों में से किसी एक के अंदर रिलेटिव मोशन है या दोनों के अंदर रिलेटिव मोशन है तो साउंड की पिच या फ्रीक्वेंसी के अंदर तब्दीली महसूस की जाती है, कि साउंड की जो पिच होती है वो तब्दील नजर आती है, वो तब्दील सुनाई देती है जब सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर दोनों मूव कर रहे हैं या उनमें से कोई एक मूव कर रहा है तो उसकी पिच जो होती है साउंड की चेंज हो जाती है, ठीक है। मसला ये था कि पिच का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, और आपको पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लिसनर के मूव करने से या सोर्स के मूव करने से तब्दील नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, और मैं इस तरह से बात करते हुए अगर किसी लिसनर की तरफ जाऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एम्बुलेंस को ले ले, अगर एम्बुलेंस है वो रेस्ट में है, उसका सायरन ऑन है, आप उसकी आवाज सुन रहे हो, वही एम्बुलेंस अगर उसका सायरन ऑन है और बहुत तेजी के साथ आपकी तरफ आ रही है तो आप महसूस करोगे कि जब वो एम्बुलेंस रेस्ट में थी तो उसके साउंड की पिच कम थी, जब वो बहुत तेजी के साथ आपकी तरफ आ रही है तो उसकी पिच जो है वो बढ़ रही है, ठीक है, आपको आवाज श्रिल सुनाई देगी। वही एम्बुलेंस अगर रेस्ट में उसके सायरन की आवाज आप सुन रहे हो तो वो आपको ग्रेव सुनाई देगा, लेकिन वही अगर एम्बुलेंस बहुत तेजी के साथ आपकी तरफ मूव करेगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उससे एम्बुलेंस के आवाज की पिच जो है वो चेंज हो रही है और वो श्रिल से श्रिल हो रहा है। और अगर वही एम्बुलेंस आपसे दूर जाएगी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उसकी आवाज ग्रेव हो रही है और उसकी पिच कम हो रही है, या ऐसे हो कि एम्बुलेंस रेस्ट में उसके सायरन की आवाज आ रही है, आप बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ जा रहे हो तो आपको महसूस होगा कि उसकी पिच बढ़ रही है। अगर आप बहुत तेजी के साथ उससे अवे जा रहे हो तो आपको महसूस होगा कि उसकी पिच कम हो रही है, या एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, आप एम्बुलेंस की तरफ आ जा रहे हैं तो आपको महसूस होगा कि आवाज की पिच बढ़ रही है, और अगर आप लोग एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इस तरह से महसूस होगा कि आवाज की पिच कम हो रही है। तो ये बात नोट की डॉपलर ने ये नोट किया कि सोर्स ऑफ साउंड हो या लिसनर हो, उन दोनों में अगर रिलेटिव, इसको कहा जाता है रिलेटिव मीन्स विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, कि अगर उन दोनों के अंदर कोई रिलेटिव मोशन है तो उस में से जो सोर्स ऑफ साउंड होगा उसके साउंड की पिच जो है वो आपको तब्दील सुनाई देगी। तो ये सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर की रिलेटिव मोशन की वजह से जो पिच के अंदर तब्दीली आती है, जिसकी वजह से जो पिच जो होती है वो तब्दील होती है, तो ये इस तरह से सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर की मोशन की वजह से जो पिच के अंदर तब्दीली आती है इसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट। इसके अंदर डॉपलर इफेक्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जब सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर मूव करते हैं तो पिच के अंदर तब्दीली क्यों आती है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है कि पिच का ताल्लुक फ्रीक्वेंसी के साथ है, और हम ये भी पढ़ के आए हैं कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो इस तरह से चेंज नहीं होती। तो इसका मकसद है सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर के मूव करने से साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होनी, अगर एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी है तो फिर पिच क्यों चेंज होती है, पिच के चेंज होने का रीजन क्या है, इसको हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट के अंदर।
तो डॉपलर इफेक्ट हमें इस चीज के बारे में बताता है कि जब कोई भी सोर्स ऑफ साउंड हो या लिसनर हो, उनके अंदर उनके बीच में जब रिलेटिव मोशन होती है, तो रिलेटिव मोशन की वजह से सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर उनके अंदर जो पिच या फ्रीक्वेंसी के अंदर तब्दीली आती है, तो ऐसी फिनामीना को डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा जाएगा। तो आप इस तरह, और ये बेटा देखें, ये एक अपेरेंट चीज होती है, जो चीज रिलेटिव होती है वो अपेरेंट होती है। अपेरेंट का मकसद है कि वो किसी और फैक्टर की वजह से सुनाई तो देती है, महसूस तो होती है, लेकिन एक्चुअली वो चीज होती नहीं है। जैसे सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर जब मूव करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर इनकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, लेकिन इसकी मोशन की वजह से एक रिलेटिव इफेक्ट होगा और आपको लगेगा, अपेरेंटली आपको महसूस होगा कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, लेकिन एक्चुअली वो चेंज नहीं होती। जो उसकी फ्रीक्वेंसी रियल होती है वही रहती है, लेकिन हमें मोशन की वजह से सुनाई ऐसे देता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, इसलिए इसको कहा जाता है अपेरेंट चेंज। रिलेटिव जो चीज होती है वो अपेरेंटली होती है, ठीक है? जैसे मास के बारे में हम पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, के मास रिलेटिव है। अगर किसी भी बॉडी का मास 1 किलोग्राम रेस्ट में जब वो मूव करेगी, तो आपको उसका मास बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो कोई एक्चुअल मास क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं बढ़ता, लेकिन उसकी इनर्शिया बढ़ जाती है, ठीक है? और इनर्शिया एनर्जी की वजह से बढ़ती है, जो हमने डिस्कस किया था। तो इसी तरह से जब सोर्स और साउंड मूव करते हैं, तो आपको अपेरेंटली ऐसा महसूस होता है कि उस साउंड की पिच जो है वो तब्दील हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक्चुअली उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। उसकी पिच के अंदर जो चेंज आती है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से होती है, जिसको डिस्कस करेंगे। तो आप कहोगे कि अपेरेंट चेंज इन पिच ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन। इसको कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट, ठीक है? ये अपेरेंट होती है, कोई रियल नहीं होती, ठीक है? अब इसके बाद इसके मुख्तलिफ केसेस हैं, ठीक है? पहला केस हम पहले डिस्कस करते हैं, केस 1 को। केस हमारे पास है 1, ठीक है? व्हेन लिसनर इज इन मोशन एंड सोर्स इज एट रेस्ट। अगर सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में, लिसनर मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एम्बुलेंस है, उसका सायरन ऑन है, उसकी आवाज मेरी तरफ आ रही है। अब केस ये कि अगर मैं उसकी तरफ जाऊं या मैं उससे दूर जाऊं, तो ये केस है। एम्बुलेंस सोर्स ऑफ साउंड रेस्ट में है, लिसनर जो मैं वो मूव कर रहा हूं। अब इसके भी दो जो होते हैं वो ऐसे होते हैं। एक हिस्सा ये होता है कि व्हेन लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, अगर सोर्स स्टेशनरी है और लिसनर जो है वो उसकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है बेटा? तो इसके अंदर क्या होगा? देखिए, इसको आप इस तरह से बना सकते हैं। सपोज करें दोनों रेस्ट में है। इफ
बोथ आर इन रेस्ट। सपोज करें पहले हम ये केस करते हैं कि दोनों रेस्ट में है, एक हमारे पास सोर्स है और दूसरा लिसनर है। सपोज करें ये हमारे पास है लिसनर, ठीक है। लिसनर जो है इसकी वेलोसिटी को हम कहेंगे वी नॉट, जीरो है लिसनर की वेलोसिटी, जीरो लिसनर रेस्ट में। और ये हमारे पास है सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ साउंड वी एस जीरो, ये ऑब्जर्वर है इसलिए वी नॉट हमने लिखा है, वीओ। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो और सोर्स की वेलोसिटी जीरो, दोनों की वेलोसिटी जीरो। अब इससे साउंड पैदा हो रहा है, अब ये साउंड आ रहा है, ये इस तरह से साउंड आ रहा है इसकी तरफ, किसकी तरफ आ रहा है, लिसनर की तरफ। और ये वेलोसिटी ऑफ द साउंड है वी, वी रिप्रेजेंट करेगी वेलोसिटी ऑफ द साउंड को। अब इस केस के अंदर, इस केस का कंक्लूजन ये है कि रियल पिच इज हियर्ड, इसमें हमें रियल पिच सुनाई देती है। जब सोर्स ऑफ साउंड या लिसनर दोनों अगर रेस्ट में है तो हमें जो भी आवाज की असल फ्रीक्वेंसी होगी, असल पिच होगी, वही आपको सुनाई देगी। मोबाइल या जो मोबाइल वैन होती है पुलिस की, उसके अंदर सायरन लगा होता है, या एम्बुलेंस है उसका सायरन है, वो भी रेस्ट में और हम भी रेस्ट में। तो अगर रेस्ट में हम भी रेस्ट में लिसनर और सोर्स भी लिसनर, उस वक्त उसकी आवाज की जो फ्रीक्वेंसी या पिच हमें सुनाई देगी वो रियल होगी। रियल पिच या रियल फ्रीक्वेंसी तब ऑब्जर्व की जाती है जब सोर्स और लिसनर दोनों रेस्ट में हो या दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हो और रिलेटिव विथ ईच अदर रेस्ट में हो, ठीक है। बहरहाल आप रेस्ट का कंसिडर करें। अब इसके अंदर जो आपको फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, एफ इज इक्वल टू वी अपॉन लेमडा आपको सुनाई देगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगी, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, ये वी अपॉन लेमडा। वी मीन्स वेलोसिटी ऑफ द साउंड, लेमडा मीन्स वेवलेंथ ऑफ द साउंड, और रियल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अब आ जाए आप दूसरे केस के ऊपर के, सपोज करें इफ, अब ये केस लिसनर इज मूविंग। अब अगर लिसनर मूव कर रहा है तो देखिए क्या होता है उसके अंदर, अगर लिसनर मूव कर रहा है तो ये केस होता है बेटा। देखिए ये सोर्स है, सोर्स से इसे आवाज निकलती है, इस तरह से आ रही है, और ये आपके पास है लिसनर, लिसनर इस तरह से जा रहा है, और ये वेलोसिटी ऑफ द लिसनर है। अब ये जीरो नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स अभी भी जीरो है, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स तो जीरो है, ये आवाज इसकी तरफ आ रही है, ठीक है। अब देखिए ये लिसनर प्लस वी नॉट अपॉन वी, तो ये प्लस आता है। प्लस आने का मकसद क्या होता है बेटा, प्लस आने का मकसद होता है कि फ्रीक्वेंसी अपेरेंट पिच क्या हो जाती है, ये अपेरेंट है बेटा, वो फ्रीक्वेंसी जो आपको मोशन के बाद सुनाई देती है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है। मींस अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको बड़ी हुई महसूस होगी जब लिसनर टुवर्ड्स सोर्स मूव करेगा, क्योंकि फार्मूले के अंदर आता है प्लस, प्लस का मकसद है वन के साथ ये फैक्टर सम होगा, और वेलोसिटी ऑफ द साउंड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी ऑफ द सोर्स पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ द सोर्स जितनी ज्यादा होगी तो प्लस फैक्टर उतना ज्यादा होगा और अपेरेंट फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा चेंज होगी। तो कंक्लूजन आप लिख सकते हैं इसका, इसका कंक्लूजन आप कर सकते हैं कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, अपेरेंट
फ्रीक्वेंसी और पिच इंक्रीजेस एंड डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ लिसनर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द लिसनर पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी ऑफ लिसनर जितनी ज्यादा होगी उतनी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी आपको ज्यादा सुनाई देगी और साउंड अपीयर्स श्रिल। साउंड जो होता है वो श्रिल सुनाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, जब आप सोर्स रेस्ट में है और लिसनर उसकी तरफ जाता है तो एक्चुअली जो फ्रीक्वेंसी या पिच होगी वो आपको बढ़ी हुई महसूस होगी। और उसके बढ़ने का रीजन क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। बढ़ने का रीजन ये वेलोसिटी है कि जब दो वेलोसिटीज एक दूसरे के आमने सामने होती है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बढ़ जाती है। रिजल्टेंट वेलोसिटी के बढ़ने से पिच पे क्या आ जाता है? फर्क आ जाता है। तो कोई एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, लेकिन फ्रीक्वेंसी के अंदर जो ये चेंज महसूस होती है इसका जो रीजन होता है वो रीजन क्या होता है? रीजन जो होता है, रीजन होता है जो है वो फ्रीक्वेंसी सॉरी वेलोसिटी का रिलेटिव हो जाना। क्योंकि जब हम सोर्स ऑफ साउंड की तरफ जा रहे होते हैं तो साउंड हमारी तरफ आ रहा होता है, हम उसकी तरफ जा रहे होते हैं, रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। रिजल्टेंट वेलोसिटी के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि हमें अपेरेंटली जो है वो ऐसा महसूस होता है कि पिच बढ़ जाती है। ठीक है, और ये आप इसको कर सकते हैं इसके अंदर कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी कितनी आती है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आप कर सकते हैं। देखिए, ये आपके पास है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ वन बी नॉट अपॉन वी। तो ये हो जाएगा आपके पास एफ प्लस एफ वी नॉट अपॉन वी। आप इसको इस तरफ ले आए, एफ डैश माइनस एफ एफ वी नॉट अपॉन वी, ये हो जाएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी। चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ वी नॉट अपॉन वी। ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मकसद क्या होता है? कि पिच इंक्रीज होती है। डेल्टा एफ पॉजिटिव है, मीन्स देयर फॉर पिच इंक्रीजेस। चेंज इन फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है। चेंज इन फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होने का मकसद है कि रिजल्टेंट पिच जो होगी इंक्रीज होगी। क्योंकि आपको पता है चेंज पॉजिटिव उस सूरत में होती है जब एफ वन कम होगी, एफ टू क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। तो ये चेंज इन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब आ जाते हैं इस केस का दूसरा हिस्सा बी। इसका सेकंड पार्ट है बी। सेकंड पार्ट के अंदर ये होता है कि वेन लिसनर इज मूविंग अवे अवे फ्रॉम सोर्स। अगर लिसनर सोर्स से अवे मूव कर रहे हैं, ठीक है बेटा, इस तरह से ये केस होगा कि अगर हमारे पास लिस्ट जा रही है अपीयर्स जो तीन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है ठीक है, तो ये हमारे पास डॉपलर दो केसेस, एक केस उसके दो हिस्से। इसके अंदर हमने ये देखा केस, तो कल इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे और जीटी का पीडीएफ आपको भेजते हैं।
थोड़ा सब्र करें, भेजते हैं अभी आपको, भेजते हैं थोड़ी देर के अंदर जो भी जीटी का पीडीएफ है, ठीक है, इंशाल्लाह भेजते हैं।